जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन खानी पड़ रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मजे में हो? होप सो। तो सुबह उठने के बाद काम चालू हो गया, क्योंकि आज लेट उठ गया ना, ऑफिस चालू हो चुका है। कल एडिटिंग कर रहा था रात में, तो एडिटिंग वगैरह करके, रेंडर करके, अपलोड करके फिर सो गया। तो सोने में मेरे को बहुत लेट हो गया, इसलिए अपन को सुबह उठने में भी लेट हो गया। और अभी उठने के बाद ये देखो, उठने के साथ ही अपना काम चालू हो गया है, लैपटॉप पे काम कर रहे। तो चलो काम वाम कर लेते, बहुत टाइम तक ये चलेगा, क्योंकि सब लाइन एंड लेंथ बिठानी है। लाइन एंड लेंथ मतलब दिन भर जो भी करना है उनका वो लाइन अप करके देना है, लाइन एंड लेंथ ने लाइन अप करके देना है। तो ये सब करके फिर आगे का प्लानिंग करते हैं। गाइज, वी आर हैविंग लंच। आज पालक की सब्जी है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन खानी पड़ रही है, क्योंकि मैंने कमिट किया था उसको, मैं खाऊंगा। मैंने मृणाल को कमिट किया था कि मैं खाऊंगा, इसलिए खानी पड़ रही है। तो चलो खाना खत्म करके मिलते हैं। बाहर भी जाना है, रिकी के डॉक्टर के पास भी जाना है आज। देखते अपॉइंटमेंट मिलती है ना ही मिलती है। रिकी कौन है? रिकी घर का अपना डॉग है, घर पे जो है वो निवासा। उसको थोड़े स्किन का एलर्जी हो गया है, तो वो दिखाना है। गाइज, एक चीज दिखाऊं आपको, ये देखो, आज आपने बर्थडे गिफ्ट का इस्तेमाल हो रहा है। पहले टाइम, फर्स्ट टाइम है। बहुत दिनों के बाद तुम्हें बर्थडे कर रही। कितने दिनों के बाद? बहुत महीने हो गए। तूने ये मेरे गिफ्ट दिया था तब से एक बार भी नहीं किया। दिस इज फर्स्ट टाइम। मेरे को तो लग रहा है ये सालों के बाद कर रही है तू। पेंटिंग ना, राइट? टाइम ही नहीं मिलता। अभी मत दिखा, पूरा कंप्लीट होने के बाद दिखा। कैसा लग रहा है तेरे को पेंटिंग करके? बहुत मस्त लगता है। तेरी हॉबी है यार, तूने ये करना चाहिए, पता है? कब करूं? तू टाइम निकालना, हर चीज के लिए टाइम निकालना चाहिए। और ये देखो, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है जो धूल खाते हुए पड़ रहा है, मतलब क्या क्या धूल दिखा खा रहे रहा है, हो? धूल खा रहा है। बोल ना यार, सारी गिटार, चीजें। गिटार देखो, 4 साल से वैसे ही हो। 4 साल नहीं, 2 साल से, 2 नहीं 3 साल हो गए। एक ही साल हो गया अभी, तीन ये साल दूसरा हो है। तीन साल मैं अभी क्लास अभी लगाने वाला ये हूँ, मैं क्लास अभी लगाने वाला हूँ। मेरे को दिसंबर क्लास ढूंढ के दे, दिसंबर मेरे में को क्लास ढूंढ के दे। नेक्स्ट महीने में 3 साल कंप्लीट हो गए। A few moments later. Guys,
एग्जॉस्ट हो गए और अभी इट्स टाइम टू ड्रिंक कॉफी। तो कॉफी हो रही है अपनी और ये वर्क स्टेशन देखो गाइस, काम चालू है। और पेंडिंग बीच में ही छूट गया थी क्योंकि काम आ गया, ये अपना काम चालू है। गाइस अभी बज रहे 5:15 एंड अपन निकल रहे जिम, क्योंकि सुबह लेट हो गया था ना उठने, तो जिम मिस हो गई थी। तो सुबह की मिस हो गई तो एटलीस्ट शाम को तो वर्कआउट करना चाहिए। तो अपन निकल रहे जिम, अभी वर्कआउट करेंगे एंड देन आगे एक दो काम है वो निपटा लेंगे। तो चलो जिम। गाइस जिम से आ गया, थक गया हूँ, अभी जाना है डॉक्टर के पास, वेटरनरी डॉक्टर के पास, क्योंकि रिकी का जो, रिकी मतलब घर पे जो डॉग है उसका स्किन प्रॉब्लम है, वो दिखाना है, मतलब उनको कंसल्ट करना है एक्चुअली क्या हुआ वो, और उसके मेडिसिंस वगैरह लेके आना है। तो चलो फ्रेश हो लेते हैं और निकलते हैं डॉक्टर के पास। गाइस हम लोग, मैं रिटर्न आ गया डॉक्टर के पास से, क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे और पहले फ़ोन भी नहीं किया था, ही वॉज आउट ऑफ स्टेशन, उनका कुछ तो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह था, तो कुछ बात नहीं हो पाई उनको, मैं कंसल्ट भी नहीं कर पाया, मतलब कंसल्टेशन उनसे ले नहीं पाया। तो मंगेश सर और राहुल सर मिले थे, हम लोग बैठे थे बातें करते, बातें भी तो ख़त्म होगी। इट्स 9:48, घर पे जा रहा हूँ। तो चलो गाइज इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अगर किसी भी कारण पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आगे के वीडियोज आपको नोटिफाई हो जाए। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्टे सेफ।